गुरशरण का बर्थडे है। जैसा हमने संडे को सीखा था कि खुदावन खुदा का कलाम कहता है कि मुझे मेरी जिंदगी के दिन गिनने सिखा। हालेलुया। तो ये जो खुशियां हैं ये सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन साथ साथ इनको ये बताते भी जाना है कि असल जिंदगी जो है वो क्या है। असल में जिंदगी के दिन जो है वो गिर रहे हैं, साल जो है वो कम हो रहे हैं, और हमारा जो अंतिम समय ठहराया हुआ खुदावन खुदा ने, उसकी नजदीक हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। सो उन्हें सिखाना है कि किस तरह बाकी का जो जीवन है वो खुदावंद के खौफ में डरते और कांपते हुए गुजारना है। सो देखते हैं बाइबल में से कहौतों दी किताब, सुलेमान दी लिखी हुई किताब, वो 22 अध्याय उसकी 6 वर्स। कोई भी जिसको पंजाबी में है पढ़ दे प्लीज। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਰਾਹ ਸਿਖਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹਟੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਲੜਕੇ ਕੋ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਉਸੀ ਮਾਰਗ ਕੀ ਦੇ ਜਿਸਮੇ ਉਸਕੋ ਚਲਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। कैसी शिक्षा देनी है बच्चे को हमने? उसी मार्ग की शिक्षा देनी है जिस पर उसे चलना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कभी कभी हम लोग शिक्षा ऐसी देते हैं बाद में वो हमारे लिए ही मुसीबत, तो बच्चे भी अंत में यही कह देते हैं कि आपने जो हमको परोसा था वैसे ही हम लोग, यदि आपने हमें अच्छा बनाने का यत्न किया होता तो हम अच्छे होते, आपने कोई अच्छी बात तो हमको बताई नहीं, इसलिए जैसा ही बताई थी वैसे ही हम लोग हो गए। वो कोई लड़का था ना, उसको फांसी की सजा होगी और उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, उसने कहा मैं अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ। माँ उससे मिलने के लिए गई जेल में, उसने कहा कि माँ अपना कान जो है वो नजदीक कर, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ही माँ ने अपना कान जो था उसके नजदीक किया, उसने उसका कान जो था वो दांतों से काट लिया। माँ ने पूछा ये तूने क्यों किया, उसने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं तेरा कत्ल कर देता, आज मैं फांसी की तरफ बढ़ रहा हूं तो उसकी वजह तू है, तूने मेरी परवरिश जो है वो अच्छे ढंग से की, तूने मुझे बताया होता कि असल जिंदगी जो है वो क्या है तो आज मैं फांसी के फंदे की तरफ आ जाता, तेरी वजह है। हालेलुया। सो हम लोग जैसा परोसेंगे हमारे बच्चे जो है वो वैसे ही हो जाएंगे, जैसी शिक्षा में रखेंगे वैसे हम लोग खुद ही तो लेकर जाते हैं ना सिनेमा हॉल में, आओ अमिताभ बच्चन की नई फिल्म आई है देखने चले, बच्चों ने तो नहीं कभी कहा। बच्चों को आदत कौन डालते हैं? हम लोग डालते हैं कि आओ चलें। बच्चों को नाचना गाना हम लोग ही सिखाते हैं, बच्चों को जितनी भी बुरी आदतें हैं वो हम ही से मिलती हैं। यदि कोई बच्चा बड़ा होकर शराब पीने लगता है माँ बाप दुखी हो जाते हैं, तो वो बच्चे का कसूर नहीं, उनके सामने तो हम शाम को महफिल सजाते हैं, तो फिर ये कैसे हम सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसा नागरिक, यानी कि जो कुछ भी हम लोग बच्चों के सामने परोसेंगे बच्चे जो हैं वो वैसे ही बनते जाएंगे। इसलिए कलाम कहता है बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसने चलना है और वह बुढ़ापे में भी उसे ना हटेगा। हालेलुया। सो वो शिक्षा दो जिसमें उसका जीवन सफल हो, वो शिक्षा दो बच्चा बड़ा हो तो लोग कहें कि सचमुच इसका माँ बाप जो है वो मुबारक था जिन्हें ऐसी संतान मिली। बच्चे के नाम से आपका नाम जाना जाए, ऐसी शिक्षा उसे दो, वो बच्चा आपके परिवार के लिए नहीं, आपके खानदान के लिए, आपके घर के लिए, आपके उस मोहल्ले में जिसमें आप लोग रहते हैं उस नगर के लिए, उस देश के लिए भी वो मुबारक होना चाहिए। हालेलुया। उस बच्चे की जिंदगी को देखकर लोग नगर को याद करें, उस बच्चे की जिंदगी को देखकर लोग माँ बाप को याद करें, ये होती है शिक्षा। तो यदि हम लोग शिक्षा ही गलत बच्चे को देंगे तो बाद में उसका फ्यूचर यदि गलत होता है तो उसके जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं बल्कि पहली शिक्षक जो है बच्चे की वो माँ होती है। कौन है जी? माँ बच्चे के साथ ज्यादा समय जो है वो बिताती है, बाप तो काम पर चला जाता है लेकिन माँ के पास जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा समय होता है। तो बच्चे के लिए जो सबसे पहला फर्ज किसका है? माँ का फर्ज है कि वो बच्चे को
किस शिक्षा के ढांचे में डालकर तैयार करती है। हालेलुया। तो माँ की जिम्मेवारी बन जाती है, इसलिए इसी किताब में लिखा है इसका एक अध्याय के 8 और 9 वर्ष में, हे मेरे बच्चे अपने बाप का उपदेश सुन और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़ना। हालेलुया। क्या सिखाना है जी बच्चों को? अपने बाप का उपदेश। ज्यादातर बताएं, कभी भी ऐसी भी गड़बड़ कर जाती है बच्चों को अपने वश में लेकर बाप के उसको खिलाफ करना, तेरा बाप ठीक नहीं है, तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप वैसा है, वो ये करेगा वो करेगा, यानी कि वो खुद ही उसकी बुनियाद जो है वो डालती है और अंत में उसी के लिए वो नुकसानदायक साबित हो जाता है। तो क्या लिखा है? माँ ने ही सिखाना है, हे मेरे बेटे अपने बाप का उपदेश सुन और अपनी माँ की तालीम को कभी ना छोड़ना। और आगे जो खूबसूरत लाइन लिखी है वो ये है, यदि तू ऐसा करता है तो ये तेरे गले के लिए कैंठा और तेरे सिर के लिए श्रृंगारने वाला सेहरा होगा, तेरा ताज बनेगा तेरी माँ की तालीम यदि तू उसे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो अब माँ की तालीम जो है वो सिर का ताज बननी है, लेकिन वो उसके गले का फंदा ना बने। हालेलुया। तो कैसी तालीम देनी है? माँ ने लिखा है उसी मार्ग की शिक्षा उसे दे जिस मार्ग पर उसे चलना है। हालेलुया। बादशाह अकबर जब पैदा होने वाला था तो उन्होंने अपने हिसाब से किसी को बुलाया और कहा कि बताओ कि इस बच्चे का जो भविष्य है वो क्या है। तो बाइबल बताती है कि जो ज्योतिष था ना, ज्योतिष शुरू से चला रहा है, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ज्योतिष जो है वो शुरू से चला आ रहा है, लेकिन सच्चे ज्योतिष मिलते बहुत कम है। जैसे आजकल सच्चे पास्टर बहुत कम मिलते हैं, वैसे ज्योतिषी भी बहुत कम ही मिलते हैं। तो वो जो काम है वो प्रगट भी बहुत कम ही होते हैं, जो गलत होते हैं वो प्रगट भी बड़ी जल्दी मशहूर हो जाते हैं जल्दी, जो सही नहीं होते। तो ज्योतिष जो है ये शुरू से चलता आ रहा है, और यीशु मसीह के जमाने में भी जब यीशु की भविष्यवाणी हुई थी तो बादशाह ने ज्योतिषियों को बुलाया था कि बताओ कि जो पता चला है वो सच है कि नहीं, तो ज्योतिषियों ने बताया था कि हमने तारा देखा है। हालेलुया। यानी कि वो कम ही है जिनको इतना ज्ञान है। तो ज्योतिषियों के हिसाब से उन्होंने बताया कि तेरे घर में जो बेटा पैदा होने वाला है, यदि ये 12 बजे से पहले पैदा हुआ तो ये दुनिया का बहुत खतरनाक डाकू बनेगा। तो यदि मां को कहा कि यदि ये 12 बजे के बाद पैदा हुआ तो एक बहुत नामी बादशाह बनेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? बादशाह अकबर की। वो बादशाह अकबर जिसने सिर्फ एक मजहब को लेकर नहीं अपनी बादशाही की, बल्कि सभी जो लोग थे उनको खुश रखने के लिए उसने उपराला किया था। और उसकी डिलीवरी का जो समय था वो हर हाल में 12 बजे से पहले का ही बताया गया, जिस दिन उसने पैदा होना था। लेकिन माँ को पता था कि ये यदि पैदा हुआ तो डाकू बनेगा। तो माँ ने बहुत कोशिशें करके उसे 12 बजे के बाद ही पैदा होने दिया। हालेलुया। तो वो जब बड़ा हुआ तो लोग उसकी बड़ी तारीफें करते थे, बड़ी उसकी इज्जत करते थे, वो बादशाह के तख्त पर भी बैठ गया तो माँ उसे अक्कू कहकर ही पुकारा करती थी। तो बड़ा बुरा लगता था उसे, एक दिन माँ को खींच कर कह दिया, बोलता माँ सारी दुनिया मुझे बादशाह अकबर के नाम से पुकारती है, तू मुझे अक्कू क्यों कहती है? बोलती बेटा दुनिया के लिए तो बादशाह होगा, तुझे ये नहीं पता तुझे बादशाह बनाने के पीछे तेरी माँ का कितना बड़ा रोल है। तेरे को बादशाह बनाने के पीछे उसने जो दर्द सहा, जो दुख सहा, तू उसे जानता नहीं है। यदि वो दुख मैं ना सहती तो आज तू बादशाह नहीं बल्कि डाकू होता, लोग तुझे एक लानती इंसान के रूप में पहचानते, एक बादशाह के रूप में नहीं, एक धर्मी बादशाह के रूप में लोग तेरा नाम ना जानते बल्कि तुझे लानती मानते। ये तेरी माँ की ही तपस्या थी। तो माँ ने बताया कि कैसे कैसे तेरी पैदाइश हुई है। तो फिर बादशाह ने कहा, बोलता माँ अब गलती से भी मुझे कहीं तो अकबर बादशाह क्या करना पुकारना, मैं इसी नाम से खुश हूं। हालेलुया। सो जैसा हम लोग बीज बोएंगे वैसा ही आगे फल जो है वो मिलेगा। हालेलुया। किसी ने खूब कहा है, मां जो है वो तीन ऐसे नाम हैं जिनसे मां लफज लगता है, एक मां, एक महात्मा, एक परमात्मा। क्या क्या है जी? मां, महात्मा और परमात्मा। मां यदि शिक्षा सही दे दे बच्चे को तो उसका जो बचपन है वो सुधर जाता है, बचपन में भी वो बच्चा मुबारक होता है।
दूसरा फिर वो जब बड़ा होता है तो वो आता है महात्माओं के हाथ में, हर मजहब में प्रीस्ट लोग हैं और उनके हाथ में फिर उसे देना चाहिए ताकि उसको अच्छी शिक्षा मिल सके। हालेलुया। दुनिया में कैसे जीना है आत्मिक बात हम बाद में विचार करते हैं। हालेलुया। तो महात्मा की ड्यूटी बन जाती है उसे बताना कि जिंदगी में तुझे किस तरह इस जवानी में अपने आप को संभाल कर रखना है। और महात्मा तो फिर मिलता है परमात्मा, माँ महात्मा तक पहुंचाती है और महात्मा फिर परमात्मा। हालेलुया। और परमात्मा की सही पहचान हो जाए तो फिर उसका जो बुढ़ापा है वो बहुत खुशी से गुजर जाता है। बहुत सारा हम जिंदगी में देखते हैं कि लोगों का बचपन भी बहुत बढ़िया गुजरा, उनकी जवानी जो थी वो गड़बड़ा गई, फिर जो बुढ़ापा था वो खतरनाक हुआ। सो तीनों कंडीशनें जो हैं वो एक जैसी ही होनी चाहिए यदि हम जीवन के दिन अच्छे देखना चाहते हैं। हालेलुया। तो आगे देखते हैं कलाम में लिखा है, बाइबल की पांचवी किताब डिट्रोनॉमी उसका 6 अध्याय उसकी 5 से लेकर 9 वर्ष तक, तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम रखना। कैसे रखना है जी? सारे मन से, सारे प्राण से और सारी शक्ति से। प्राण लफ्ज के लिए जान लफ्ज लिखा गया उर्दू में। तू अपने सारे मन से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से तू प्रेम रखना। हालेलुया। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वह तेरे में बनी रहे। कभी कभी आज्ञा हम सुन लेते हैं लेकिन हमें बनी रहती नहीं, वो बनी भी रहनी चाहिए तभी वो आगे जाकर उसका जो नतीजा है हमारे सामने आएगा। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, किसके लिए आगे हुक्म खुदा का, तू खुद भी ऐसे करना है। और इस बात की जो शिक्षा जो तालीम है तूने आगे अपने बच्चों को भी देनी है। और क्यों देनी है? और घर बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। कैसे करनी है जी भला? यानी कि आज सुबह एक थोड़ी सी तालीम दी और बाद में भूल गए, ऐसा नहीं। हर वक्त उसके अंदर परमेश्वर का खौफ बना रहना चाहिए। वो अपना एक कदम उठाए तो उसे पता होना चाहिए कि मेरा कदम किस तरफ जा रहा है। हालेलुया। तो ये कदम जो है किस तरफ जा रहा है ये सिखाएगा तो वही ना जिसका अपना कदम सही दिशा पर, वरना अंधे का आगू अंधा और दोनों कुएं में। तो सबसे पहले खुदा क्या कहता है, हम माँ बाप जो है ना, जन्मदिन किसका मना रहे हैं? बच्चे का, लेकिन जिम्मेवारी किसकी है? माँ बाप की है। तो शिक्षा किसको मिलनी चाहिए फिर? माँ बाप के लिए शिक्षा है कि माँ बाप ने उसकी परवरिश जो है वो किस तरीके से करनी है। मिसाल के तौर पर हम लोग थोड़े से लोगों के ऊपर गौर करते हैं, हम देखते हैं हमारे पंजाब में जो है ना, जो जट बरादरी के लोग जो सिखों किसी की खिलाफत में नहीं बात कर रहे, लोगों के नेचर को पेश कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि बचपन में ही उनके सामने ऐसी बातें की जाती हैं कि थोड़ा सा बच्चा जवान होता है तो वो ज्यादा जो है वो गुंडागर्दी की तरफ ही चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि शुरू में जब वो बचपन में उसे जो परोसा गया है ना, वहां पर यही बात की गई है कि फलाने ने हमारे जो खेत की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी तो तुम्हारे दादा ने उनके 5 लोगों को मार दिया था, उसके बाद तेरा मैं बाप हूं। ऐसी किसी ने फिर कोशिश की थी, मैंने 10 लोगों का कत्ल किया फिर मैं छूटकर बाहर आ गया। तो बच्चों के सामने जब हम ऐसी बातें करेंगे तो उनका जो माइंड सेट होगा और उनकी जो आदत है वो वैसी ही फिर बनती जाएगी। इसीलिए फिर जेलें जो है वो हमारे सरदार भाइयों से ही भरी हुई है। उसकी वजह यही है कि बचपन में क्या सिखाया गया है। अब उन्हीं में से कुछ लोग ऑफिसर बन गए तो उनको उनका जो माइंड है वो सेट हुआ तो उनकी जो सोच थी वो थोड़ी बदली। अब जो ऑफिसर बन गए फिर उनके बच्चों ने गुंडागर्दी में पाँव नहीं रखा, वो कैसे उनकी तबीयत होगी कि मेरा डैडी जो है वो SHO था, फिर DSP बना, फिर SP बना, फिर SSP बना, फिर DIG बना, फिर IG बना और फिर DGP बनकर रिटायर हुआ, तो मैं भी अपने बाप की तरह उसी के नक्शे कदम पर चलूंगा। यानी कि घर से ही एक बच्चे की शुरुआत होती है कि उसकी जिंदगी हमने कैसी कैसी बनानी है। अब बनियों की बात कर लो, वो लोग शाम का जो खाना है ना, मोस्टली उन्होंने अपने परिवार के साथ ही खाना होता है। हालेलुया। तो हम लोगों ने आधे तो महफिल में होते हैं, आधे इधर उधर होते हैं, तो कभी इकट्ठे होने का तो मौका मिलता ही नहीं, कभी शादी शुदी में मिल जाए तो अलग बात है। तो इनकी क्या खूबी है, इनके बिजनेस को बढ़ने की, कि ये लोग शाम का खाना जो है ना पूरे परिवार की कोशिश होती है एक साथ बैठकर खाएं। और जब वो खाते हैं तो वो तालीम कैसी देते हैं, तेरा जो परदादा था ना उसके पास सिर्फ 500 दिनार थे, उसने 500 दिनार से जो बिजनेस शुरू किया
और 5 लाख दिनार तक लेकर गया, फिर तेरा दादा आया वो 5 लाख से उसको 50 लाख तक लेकर गया, फिर मैं आया मैंने उसे 50 लाख से 50 करोड़ तक बनाया, और फिर वो सारी की सारी जो स्टोरी है ना वो अपने जीवन की बच्चों के साथ बयान करते हैं। और बानिए का जो बच्चा होता है ना 12 साल में ही वो दूसरी कौमों के 50 साल जैसे बंदे की अकल रखता है। क्यों? क्योंकि जैसा परोसा गया है ना वैसी ही शिक्षा उसे मिलेगी। अब कोई प्रीस्ट है यदि वो घर में बैठकर ये बातें करता है कि मैं तो खुदा के नाम से लोगों को लूट रहा हूं, तब उसका बच्चा कैसा बनेगा जी? हाँ जी, जब वो घर आकर पत्नी को बोलेगा आज मैंने वहां पर कलाम सुना, लोगों के दिल टूट गए, लोगों ने जेबें खाली कर दी, फटाफट टेबल पर रख दिया और मैं जेब भरकर ले आया, तो बच्चे के दिमाग में कैसा जाएगा जी? हाँ जी, तो अब वही प्रीस्ट जो बोले आकर घर में कि आज हमारे घर में खाना नहीं था लेकिन मैंने वहां पर जाकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, तो बच्चों को मन में क्या आ जाएगा? हमारा जो डैडी है वो कितनी लगन से और कितने दुख सहकर खुदा का काम कर रहा है। उनकी फिर सोच जो है वो वैसे ही बननी शुरू हो जाएगी। यानी कि जैसा जैसा हम बचपन से ही उसे के सामने परोसेंगे वो वैसा वैसा ही बनता वैसा वैसा ही बनता जाएगा। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वह तेरे में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करें। कैसा होना चाहिए जी? तालीम किस तरीके से देनी है कि उसका पूरे का पूरा जो माइंड सेट है ना वो धर्म के मार्ग के ऊपर लगाना है। हालेलुया। तो वैसा ही उसे जब शुरुआत में ही उसको उसे फॉलो करना है हम लोगों को कि हम लोगों का जो जीवन है वो कैसा है, और इसके बारे में और बाइबल हमें खोलकर बताती है, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं पर और अपने फाटकों पर भी लिखना। ये इसराइलियों के लिए हुक्म था। हालेलुया। मैंने कई बार बताया कि जो यहूदी लोग हैं ना इनको कहीं भी आप एक तो होता है ना हम लोग वैसे ही कह रहे हैं, कहीं भी यहूदी को खड़े देखोगे, आप लोग इस अमेरिका में रहते हो रोज यहूदियों से पाला पड़ता है, यहूदी को कभी भी आप लोग ऐसे इधर उधर नहीं देखते खड़े हुए देखोगे, कभी भी देख लेना, ये चैलेंज है लिख कर दे देता हूं। यहूदी जब चलेगा उसका निशाना सीधा होगा, वो कभी भी इधर उधर देखेगा नहीं, उसकी नजर इधर उधर जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि 12 साल की उम्र तक यहूदी को इस रीति से तैयार किया जाता है कि मूसा की लिखी हुई 5 किताबें उसके अंदर डाल दी जाती हैं, और खौफ इतना उसके अंदर होता है कि मैंने परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान जो है वो लगाना है। अब वो बस अड्डे पर खड़ा है, बस के इंतजार में, उसकी पॉकेट उसकी जो अंदर कोट है ना उसमें वो 5 पुस्तकों की जो लिखी हुई है ना वो छोटी किताब है, वो उसको निकालेगा और वहीं पर पढ़ना शुरू करना। क्या करेगा जी? यानी कि तलीम उनको जैसी दी गई ना उनके अंदर वो तलीम चल रही है, उसको इधर उधर कभी भी जानते हुए देखोगे। क्यों? क्योंकि उनको हुक्म था अपने बच्चों की परवरिश इस तरीके से करनी, और जैसे ही उन्होंने फिर की है तो उसका रिजल्ट जो है वो भी सामने है। उनमें से भी हो सकता है कोई ऐसे माँ बाप हों जिन्होंने वैसी परवरिश ना की हुई, तो रिजल्ट उनके सामने भी आया होगा। इसलिए खौफ था खुदा का और उसी अनुसार वो लोग सब कुछ करते थे। और कौतूहल किताब में हम देखते हैं 23:12-14 तक, अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपना कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। हालेलुया। क्या क्या करना है जी बोला? अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। सी बच्चे ने लाके तो रजनीकांत की फिल्म देखनी शुरू कर दी। हाँ जी, फिर उन्हें कहना डैडी मम्मी कराटे सीखने। हाँ जी, तो जी शाहरुख खान की फिल्म ला लिए, उन्हें कहना जिदा का रोमांटिक हुआ उदा का मम्मी डैडी बनना। यानी कि हमने शुरुआत करनी ना उसकी, जैसी करें कल को आप बच्चों के ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकते कि आपका बच्चा बिगड़ा क्यों है, क्योंकि बिगाड़ा किसी ने नहीं है, बिगाड़ा आपने है। एक माँ को खुदाबंद खुदा ने इतनी शक्ति दी है, माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे, माँ चाहे तो डाकू बना दे, ये सारा कुछ माँ के हाथ में है। हालेलुया। ऐसी कितनी माओं की मिसालें हैं जो दे सकते हैं कि जिन्होंने ऐसा किया और उसका जो फल है वो क्या हुआ। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे हम बाइबल में से उत्पत्ति की किताब जेनेसिस उसका 27 अध्याय की 1 वर्ष से लेकर कि एक माँ जो है वो बच्चे को किस हद तक लेकर जा सकती है,
और यदि वो माँ की सुने तो वो कैसी आशीष प्राप्त कर सकता है। पढ़ेंगे बाइबल की पहली किताब जेनेसिस चैप्टर 27 उसकी एक वर्ष से पढ़ेंगे। और यूं हुआ कि जहां इसहाक वृद्ध हो गया और उसकी अखां धुंधलियां हो गईयां कि वो देख नहीं सकता थी, तद उसने अपने बड़े पुत्र एसाउ नूं सद के आख्या, मेरे पुत्र। उस नूं वो आख्या, मैं हाजिर हाँ। तां उस आख्या, वेख मैं वृद्ध हाँ अते मैं अपनी मौत दा दिन नहीं जानता, सो तू हुण अपने शस्त्र अर्थात धुनक और तरश लै और रड़ विच जाके मेरे लिए शिकार मार और मेरे लिए स्वाद दा भोजन तैयार कर जिहड़ा मैं चंगा मैनू चंगा लगता है, ते मेरे अगे परोस तां जो मैं तेनू मैं उनू खावां और मेरा जी मरण तो पहला तेनू बरकत देवे। जद इजहाक अपने पुत्र एसाउ नाल बोलदा सी तां रिबका सुनदी सी, फिर एसाउ रड़ वल चलिया गया पई शिकार मारे शिकार मार के लै आवे, तां रिबका अपने पुत्र यकूब नू आख्या, वेख मैं तेरे पिता नू सुनिया जद ओ तेरे भरा एसाउ नू ए बोलिया कि मेरे लई शिकार लैके स्वादला भोजन तैयार कर जो मैं खावां और यहोवा तेरे सन्मुख अपनी मौत तो पहला तेनू बरकत दिया। हालेलुया। मैंने ये पढ़ाया इसलिए है कि आप लोगों को पता चल जाए कि हम एक बात को जो सीखने जा रहे हैं वो पाक कलाम से है, बाइबल में से है। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं एसाउ और यकूब की, ये एक परिवार के दो बेटे थे। हालेलुया। ये यकूब जो इंसान है इसके पैदा होने के वक्त में लिखा गया है कि ये दोनों माँ के गर्भ में जुड़वा थे, ट्विंस थे। और जब पैदा होने का वक्त आया तो जो यकूब था उसकी कोशिश थी कि वो पहले पैदा हो और उसकी इस हरकत को देखकर उसका नाम जो था वो यकूब रखा गया। यकूब का मतलब है धोखेबाज, तो इसका नाम क्या रखा गया, धोखेबाज। छोटा था तो माँ के गर्भ में ही ये कोशिश करता था कि पहले मैं पैदा हो लूं। इसकी इस हरकत को देखकर इसका नाम क्या रखा गया, याकूब, जिसका मतलब है धोखेबाज। जब वो अपनी माँ के गर्भ में आए थे उसी वक्त फरिश्ते ने बता दिया था तेरे गर्भ में दो बेटे हैं और जो बड़ा है वो छोटे की टहल करेगा, वो सेवा वो उससे बड़ा होगा, बड़ा वो पैदा होगा लेकिन छोटा जो है वो उसके ऊपर बड़ा बना रहेगा। तो वैसा ही जब वो हरकतें हुई तो उसका नाम जो था वो याकूब रखा गया। अब परमेश्वर की योजना है, बाइबल में लिखा है कि जिस पर मैं मेहरबान हूं उस पर मेहरबान हूं, जिस पर क्रोधवान हूं उस पर क्रोधवान हूं, कौन मुझसे झगड़ा करेगा। मैंने एसाउ से वैर किया और याकूब से मोहब्बत की, मेरी मर्जी है। तो खुदा की मर्जी है, उसके आगे हमारा कोई सवाल खड़ा होता नहीं। तो खुदावंद खुदा ने कह दिया था, उसी वक्त हम देखते हैं कि याकूब का जन्म हुआ, उसका नाम याकूब रख दिया गया। ये बड़े हो गए तो एसाउ जो था, परमेश्वर ने उन लोगों को कहा था कि तुम लोग जो नास्तिक तौर पर जीवन जीते हैं, जब मुखालफत खुदा काम करते हैं, जब खुदा के खिलाफ कोई दूसरे शरीक खड़े करके मूर्तियों को खुदा का नाम देते हैं, ऐसे लोगों से तुम लोगों ने कोई वास्ता रखना नहीं है। लेकिन ये जो एसाउ था ये ऐसे लोगों से मिलता था, उनके साथ ये रहता था और ये बात जो थी इसकी माँ को पसंद, क्योंकि माँ जो थी वो बहुत ज्यादा धर्मी थी, था बाप भी धर्मी लेकिन माँ जो थी वो परमेश्वर की बातों को बहुत ध्यान से अपने मन में बिठाकर यही चाहती थी कि मेरी संतान जो है वो एक अच्छे मार्ग के ऊपर चले। अब ये लोग बड़े हो गए और जब उसकी मौत का वक्त इनके बाप का निकट आ गया, उसकी आंखें जो थी वो धुंधला गई, तो बाप ने अपने बड़े बेटे को बुलाया क्योंकि वो उससे ज्यादा प्यार करता था। प्यार क्यों करता था, क्योंकि जो बड़ा बेटा था वो शिकारी था और रोज शिकार करके लाता था, बढ़िया बढ़िया स्वादला जो खाना था अपने बाप को बनाकर खिलाता था। जैसे हम लोग भी आज देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है मस्का लगाने वाले होते हैं ताकि बाप का जो सिस्टम है वो उनके हाथ में किसी तरह आ जाए। ये आज भी संसार में चलता है। तो ये मस्का लगाने वाला था, माँ को पता था ये बाप को मस्का लगाता है, लेकिन माँ जो चाहती थी कि ये जो बच्चा है ये बेशक बाप के साथ प्यार दिखाता है, कुछ भी करता है, लेकिन खुदा की नजरों में ये ठीक जो भी कर रहा है ये ठीक कर रहा नहीं है, इसलिए जो बाप की आशीष है वो इसके हाथ में जानी नहीं चाहिए। हालेलुया।
तो उस वो वक्त ऐसे थे जब खुदा का खौफ खाने वाले लोग जो भी मुंह से कह देते थे उनके बच्चों के साथ खुदा वैसा ही करता था। अब इसहाक जो था वो वायदे की संतान था। क्या था? वायदे की संतान। अब्राहम को खुदावन खुदा ने कहा था मैं तुझसे एक बेटा पैदा करूंगा। 100 साल की उम्र में खुदावन खुदा ने जब उम्मीद खत्म हो चुकी थी तब ये बेटा दिया था। इसके नाम का अर्थ है वो हंसता है, यानी कि सदा खुश रहने वाला। क्यों? क्योंकि ये खुदावन खुदा ने इसका नाम भी इसके पैदा होने से पहले ही दिया था। अब ये बुजुर्ग हो गया, इसकी आंखें जो थी वो धुंधला गई और इसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उसको कहा कि बेटा मैदान में जा, शिकार करके ला, मेरे लिए एक ऐसा भोजन तैयार कर जो मेरे मन को प्रसन्न करे और जब मैं उसे खाऊं तो मन से तुझे आशीष दूं। जब वो ये बातें अपने बेटे के साथ कर रहा था उसकी पत्नी ये बातें सुन रही थी। उसने जल्दी से अपने छोटे बेटे को बुलाया और उसे कहा कि मैंने तेरे बाप को तेरे भाई से ये बात करते हुए देखा है, इसलिए अब ऐ मेरे पुत्र जैसा मैं कहती हूं तू वैसा ही कर। कैसा? जैसा। बच्चों को कैसे सिखाना है? तेरी माँ जैसा कहेगा यदि तू करेगा तो मैं तुझे लिख कर देती हूं, तेरा जीवन सफल होगा। गारंटी किसने देनी है? माँ ने देनी है कि तू सिर्फ धर्म के मार्ग पर चल, तेरा जीवन सफल होगा, ये मेरी गारंटी है। तो हमने क्या वर्ष पढ़ी है? तेरी माँ की तलीम तेरे गले का कैंठा और सिर को श्रृंगारने वाला ताज है। हालेलुया। तो अब माँ का सीन जो है वो शुरू हुआ। उसने बेटे को बुलाया और उसे कहा कि तेरे बाप को मैं ये बातें करते हुए सुना है, इसलिए अब तू जल्दी जल्दी अपने इज्जड़ में जा, क्योंकि उनका काम जो था वो भेड़ों को चारना था, पालना था। बोलती जल्दी जल्दी जा और वहां से 2 मेमने फटाफट लेकर आ। हालेलुया। तो वो मेमने तू मेरे पास लेकर आ, मैं उनसे वैसा भोजन तैयार करूंगी जैसा भोजन तेरे बाप को पसंद है। उस भोजन को लेकर तू अपने बाप के पास जाना और वो तुझे वो आशीष देगा जो ईसाऊ को मिलनी नहीं चाहिए। बच्चा जो है वो बाप को भी जानता है कि उसका बाप कोई आम इंसान नहीं है। बच्चे को पता मेरा बाप नबी है, यदि मैं पकड़ा गया तो ऐसा ना हो कि आशीष के बदले कोई ऐसा श्राप लाऊं कि मेरा जीवन ही नष्ट हो जाए। इसलिए बेटा अब डर रहा है और मां से क्या कहता है, ए मां यदि पकड़ा गया तो काम खराब हो जाएगा, यदि उसने मुझे पहचान लिया तो काम खराब हो जाएगा। उसने कहा ए मेरे बेटे तू सिर्फ मेरी बात को सुन जैसा मैं कहती हूं तू, ये लिखा हुआ बाइबल में जो मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। सिर्फ मैंने पढ़ाया था इसलिए नहीं क्योंकि समय खराब होता है। उसने कहा है मेरे बेटे तू सिर्फ मेरी बात सुन जैसा मैं कहती हूं वैसा तू कर, यदि तू पकड़ा जाए तेरा हर वो श्राप मुझ पर आए, परंतु तू वैसा ही कर जैसा मैं तुझे कहती हूं। वो जल्दी से गया, इज्जड़ में से 2 मेमनों को लाया और लाकर मां को दे दिया। अब मां ने भोजन तैयार करना है, कैसा? वो भोजन तैयार करके देना है जो उसके पति को पसंद आए। हालेलुया। कैसा भोजन जी? सारी पत्नियां बोलो कितना था भला? तो तुसी तो अपनी मर्जी से बना दी ना। हाँ जी, इसका मतलब पत्नी का क्या फर्ज है? उसे अपने पति के टेस्ट का पता होना। पति कभी ना कहे कि तूने मेरी मर्जी का खाना नहीं बनाया। परसों रात को मेरी पत्नी ने मुझको खीर जबरदस्ती दे दी। 3 महीने से मैं किसी ठंडी चीज का सेवन नहीं करता, तो इसने दी मुझको खीर और मैंने खा भी नहीं। बोलती प्यार से पकड़ा रही हूं खा लो, कुछ नहीं होता। तो मुझको पता मेरे साथ क्या हुआ। तो क्या सीखना है? पत्नी को पति के टेस्ट का पता लाजम होना चाहिए। यहां पर खतरनाक पॉइंट क्या है? शिकार के भोजन में और मेमनों के भोजन में जमीन आसमान का फर्क है। उस फर्क को भी इस मां ने मिटाना है। हालेलुया। इस फर्क को भी मिटाना है। सबसे बड़ी बात क्या है? उसका ध्यान जो है उसको पता है कि उसके पति का टेस्ट कैसा है। अब उसने आम जो मेमने हैं उनके भोजन को शिकार के भोजन की तरह तैयार करके भेजना है। तब क्या किया उसने? वैसा भोजन जैसा उसके पति को अच्छा लगता है उसने तैयार किया और
अपने बेटे को दिया और उसे कहा कि इसे ले और अपने बाप के पास चला जा। जाने से पहले गड़बड़ एक और थी, वो गड़बड़ ये थी कि उसका जो भाई था, उसका जो जिस्म था, उसके ऊपर बाल बहुत थे जानवरों की तरह। तो अब वो जाएगा अपने बाप के पास, तो बाप हो सकता है ऐसे छुए, क्योंकि उस वक्त हमारी तरह ये पैंट कमीज तो पहनते नहीं थे, ऐसे ही तकरीबन लंगोटे ही पंजाबी कह दिए पहने होते थे, ज्यादा कुछ कपड़े पहनते नहीं थे। तो इसने अब बाप के पास जाना है उस खाना को लेकर। तो माँ ने वो जो बछड़ों की खाल थी वो इसके उस अंगों पर उसको लगा दिया जहां जहां वो हाथ लगाकर इसे छू करे, चेक कर सकता है। वो अपने बाप के पास गया, बाप ने पूछा तू कौन है? अब डर जो है वो बना हुआ है, क्यों? सामने कौन है? नबी है जिसके साथ खुदा बात करता है। अब बेवकूफ किसको बनाना है भला, पंजाबी जी बोलो। हाँ जी, बाप को बेवकूफ बनाना है अभी, और वो बाप को शराबी कबाबी बाप नहीं है जिसको बेवकूफ बनाया जा सके। कौन है भला? खुदा का नबी है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? मैं जो कह देता हूं उससे पीछे हटता नहीं, जो मैंने कह दिया जमीन आसमान टल सकते हैं, लेकिन लिखी हुई एक बिंदी भी इधर उधर हो सकती। तो खुदावंद का ही ये प्लान पूरा हो रहा है, पहले से ठहराया हुआ है खुदावंद। खुदा ने इस बंदे की आंखें पहले धुंधली की, इससे पहले कि यकूब उसके पास जाए और ये उसे पहचान ले, क्योंकि अपने कहे को पूरा करना है। तो अब यकूब जो है वो अपने बाप के पास गया, बाप ने पूछा तू कौन है? उसने नहीं कहा मैं यकूब हूं, क्या बोल रहा है? मैं ईसाऊ हूं। हालेलुया। मां का सीन कितना जबरदस्त है, मां ने तो अपना काम पूरा कर दिया, जैसा खाना चाहिए था ना शिकार वाला, उसने बना के अपने बेटे के हाथ में दे दिया। अब मां आवाज नहीं बदल सकती, हालेलुया, क्या नहीं कर सकती? आवाज नहीं बदल सकती। अब आवाज से तो पकड़ा जाएगा। तो अब मां ने जब खाना वगैरह देकर उसको भेज दिया, तो मां का सीन तो खत्म हो गया जी, खत्म हो गया कि है अभी? अभी तो मां का सीन शुरू हुआ है। क्या लिखा है? तू अंत तक उसे इस शिक्षा में बनाए रखना, ताकि उसका जीवन जो है वो नरक की आग में जाने से बचे। अंत तक सिखाते रहना, घर में बैठे बाहर निकलते चलते फिरते सोने तक तू उसको खुदा की ही बातें बताया कर, ताकि उसका जीवन जो है वो बच जाए। तो अब मां ने खाना देकर उसे भेज दिया, और मां घुटनों के ऊपर दुआ कर रही है, खुदावंद खुदा जो कुछ एक मां होते हुए मैं कर सकती थी वो मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब जहां जहां कमी है वो तू संभालना, क्योंकि मां को भी पता था कि आवाज में फर्क है। अब वो जब वहां पर पहुंचा है और उसे कहा तू कौन है? उसने कहा मैं तेरा बड़ा बेटा ईसाऊ हूं। क्या हूं? तो नबी एकदम से पहचान गया, बोलता मेरे पास आ, मैं तुझे छू और चेक करूं क्या तू सचमुच मेरा बेटा ईसाऊ ही है। अब वो कदम बढ़ाता हुआ अपने बाप की तरफ जा रहा है, अंदर से तो दहर उठा होगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, शायद मेरे बाप ने मेरी आवाज को पहचान लिया है। वो बाप के पास गया, बाप ने चेक किया, तो बाप क्या कहता है? बोलता सारा जिस्म के हिसाब से तो तू ईसाऊ ही है, परंतु तेरी आवाज यकूब की है। कौन सी आवाज है? नाम का अर्थ क्या है? धोखेबाज है।